बिलरियागंज पहुंचा सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चा, जौहर अली पार्क की घटना में पीड़ितों को न्याय दिलाने की कही बात। सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चा आजमगढ़ से मोर्चा के संयोजक दुख हरण और कार्यकर्ता तेज बहादुर व रामाश्रय यादव, सूबेदार यादव, आज बिलरियागंज में पहुंचकर मोहम्मद अली जौहर पार्क में CAA और NRC के संबंध में कानून के विरोध में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुए विवाद की जांच किया और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की बात कही। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम दुखारण है, मैं सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चे का संयोजक हूँ जिले का। यहाँ बिलरियागंज किस पर्पज से आए हैं सर? इसलिए आए हैं कि यहाँ जो भी घटनाएं हुई हैं, इस घटनाओं की सच्चाई को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब किस तरह की घटना? थोड़ा सा ये जो देखा गया है कि जो इस पार्क में कौन सा पार्क जौहर पार्क में जो लोग बैठे थे उनको जो है NRC के तहत जो लोग बात कर रहे थे, उसकी मांग कर रहे थे कि NRC या CAA लागू न किया जाए, उन लोगों को 3 बजे रात में जिस तरह से उन लोगों को भगाया गया, उनके ऊपर पानी छिड़ा गया और जिस तरह से यहाँ के नौजवानों के ऊपर कानून और ख़तरनाक धाराएं लगा कर उनको जेल में जो बंद कर दिया गया है, यह देश के लिए बहुत ख़तरनाक स्थिति है। पूरी संवैधानिक चीज़ों पर एक मतलब सवाल खड़ा हो रहा है पूरे देश में। यह एक विघटनकारी राजनीति का एक जो है यह दिखाई पड़ रहा है कि देश को तोड़ने और साजिश का सवाल खड़ा हो रहा है कि देश की एकता समृद्धता पर एक खतरा हो रहा है। इसलिए हम ये लोग चाहते हैं कि जो देश की स्वतंत्रता समृद्धता और एकता को बनाए रखने के लिए समाज के सभी वर्गों को, यह देश सभी लोगों का है, यह देश सबका है, सब लोग मिलजुल करके रहें और किसी की नागरिकता न छीनी जाए, इस तरह का जो सवाल है इस पर हम लोग पूरा अध्ययन करने के लिए आए हैं। और इस पर तो सर आप अपने मोर्चे के माध्यम से इन पीड़ित लोगों की क्या मदद कर सकते हैं? हम ज्ञापन देंगे, सरकार को बताएंगे कि यह जो कुछ हो रहा है इसको या जो वापस लिया जाए, इनके ऊपर से धाराएं हटाई जाए और कम से कम आज जो है कि जो देश में बढ़ी हुई है बेरोजगारी है, महंगाई है और इतना जो है कि निजीकरण हो रहा है, लोगों का जीवन संकट में फंसा हुआ है, सबकी जेब खाली हो रही है और लोग भुखमरी के कगार पर हैं, पहले इसकी व्यवस्था किया जाए और ये जो है CAA और इन सारी कानूनों को बाद में लगाया जाए, पहले देश के लोगों को खाने पीने रहने की सुरक्षा की गारंटी किया जाए, संवैधानिक सुरक्षा दिया जाए, पहले ये सवाल है।